इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम अगर अंडर रूट पे कोई पॉइंट वाला नंबर दिया हुआ हो, डेसिमल नंबर दिए हुए हो, तो हम उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे हम अंडर रूट 9.8 अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो हम किस तरीके से इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। आप सबसे पहले एक लाइन खींचोगे जो कि 9.8 सेंटीमीटर की होगी। एक लाइन आपने कंस्ट्रक्ट की जो कि उसी लेंथ की होगी जो यहाँ पे गिवन है। सो ये ए बी लाइन है जो कि 9.8 सेंटीमीटर की है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना भी दिया हुआ है उससे 1 सेंटीमीटर और हम बढ़ा देंगे, तो ये हो गया 10.8। लेकिन हमें ये दोनों पॉइंट्स को अलग अलग मार्क करके रखना है, ठीक है। ये हो गया 10.8, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे। फिर अब ये जो ए सी है, हमको एसी का परपेंडिकुलर बायसेक्टर बनाना है जस्ट टू गेट द मिड पॉइंट। परपेंडिकुलर बायसेक्टर कैसे बनाया जाता है, मोर देन हाफ लेके, किसी भी लाइन का मोर देन हाफ आप लो और उसको ऐसे ऊपर नीचे कर्व्स करो। एसी का बनाना है तो एक पॉइंट ए पे रखोगे एक बार नीडल को, दूसरी बार उसके पॉइंट को सी पे रखोगे, बिकॉज हमको एसी का बनाना है। तो इन ये जब इन दोनों ये जो दो पॉइंट्स मिले हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने पर हमें परपेंडिकुलर बायसेक्टर मिलेगा। बट हमें जस्ट मिड पॉइंट चाहिए, तो आपको इसको लाइन भी खींचने की ज़रूरत नहीं है। या आप एक बहुत ऐसे लाइट सी लाइन खींचो, ताकि हमें बीच का बस हमें पॉइंट चाहिए। ये हमें सपोज बीच का पॉइंट मिल गया ओ। नाउ ए ओ इज द मिड पॉइंट, तो ए ओ एंड ओ सी विल बी द सेम। ए ओ और ओ सी बराबर होंगे क्योंकि ये बायसेक्टर था, इसने लाइन को इक्वल पार्ट्स में कट किया है। तो O से अगर आप A पे लेते हो रेडियस और इसको अगर सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये C पे भी कट करेगा, ये C पे भी कट करेगा। तो इस तरीके से आपने ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब यहां से हमें B जो AB जो लाइन थी 9.8, यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो आपने ये जो सीधी लाइन खींची है यहाँ पे, सो दिस बी डी, सपोज दिस इज डी, दिस बी डी इज ऑफ लेंथ, ऑटोमेटिकली ये बी डी का लेंथ आ जाता है अंडर रूट 9.8। नाउ ये एक स्टैंडिंग लाइन है, आपको उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो जस्ट टेक इट एज अ रेडियस और बी डी के जितना उसको सेट करके आपको ऐसे बनाना है। ये जो लाइन आप एक्सटेंड कर दीजिए इस लाइन को, अगर B तो आपका जीरो होता तो ये जो बी ई है, बी ई ये लेंथ जो है वो अंडर रूट 9.8 है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपको ये सब लेबलिंग करना और यहाँ पे ये लिखना कंपलसरी है, क्योंकि बी डी अंडर रूट 9.8 आया है, आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये नंबर लाइन में बी ई विल बी 9.8। इन दिस मेथड यू कैन ड्रॉ एनी इरेशनल नंबर जो कि पॉइंट में है, 11.3 होगा, तो आप 11.3 की लाइन खींच के फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ा के सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल के लिए पहले परपेंडिकुलर बायसेक्टर बना के मिड पॉइंट लेके फिर आप इस पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो यहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड लेंथ।